भैया पूरा छिंदवाड़ा जिला आपकी नजरों में है, अब नया छिंदवाड़ा के लिए आप क्या देना चाहेंगे? देखिए मैंने 4 साल 1 महीने के करीब यहाँ पर जिला पंचायत और अपर कलेक्टर के रूप में वर्ष 2009 से 2013 तक काम किया। वर्तमान परिवेश में नई सरकार गठित हुई है, हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी सत्तासीन हुए हैं, उनका जो वचन पत्र है, वचन पत्र में लिखी गई बातें उनके द्वारा हम लोगों को सभी को दे दी गई हैं और उसी वचन पत्र के अनुसार ही काम हमें करना है और जो उनकी परिकल्पना है उसको साकार करना है। कुछ काम जो यहाँ पर अभी अधूरे पड़े हुए हैं उन कामों की और क्या प्राथमिकता? नहीं, प्राथमिकताएं तो निश्चित रूप से जो विकास कार्य हैं, जो यदि कहीं रुके होंगे किसी न किसी कारणों से, उसके ऊपर बिल्कुल नजर होगी और देखेंगे कि जल्दी से जल्दी पूरा होगा। सबसे पहले उस पर एक्शन प्लान बनाया, 2 दिन के अंदर में पानी मिल रहा है शहर में, और अभी पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो थोड़ा हमें चाहते हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है, आप लोगों ने इसको सोचा है? चूंकि पेयजल सबसे पहली उपलब्धता है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग चाहेंगे कि आप, चूंकि आपका अध्ययन इसमें, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आ भी रहे हैं, 29, 30, 31 आपके 1 तारीख तक रहेंगे, हम उनसे जरूर चर्चा कर लेंगे, क्या उनका दिशा निर्देश मिलता है हम लोगों को, उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे।